जिला बड़ोनी को लगे टी कमगढ़ जिला, बड़ोनी को लगे टी कमगढ़ जिला, बड़ोनी को लगे टी कमगढ़ जिला। भजन भावना सहित एक तट, भजन भावना सहित एक तट, पानी पियत सिंह कपिला, बड़ोनी को लगे टीकमगढ़ जिला, बड़ोनी को लगे टीकमगढ़ जिला, बड़ोनी को लगे टीकमगढ़ जिला। कैसे सीखा है, कैसे इस लाइन में आए? हमारे बब्बा वाले गाँव थे पहले, गांव में भजन कीर्तन तो उन्हीं के साथ जाते रहे, तो आगे रुचि बढ़ गई। और पहली बार हम देहसी मेला लगता है यहाँ पे जल विहार का, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था पहली बार, बहुत पब्लिक जुड़ती है वहाँ पे, तो हमने एक दो गाने गाए तो बहुत प्यार मिला, बहुत पैसा मिला था उस समय में, जब हम 10 रुपये को मोहताज थे उस समय हमें 500-600 रुपये मिले थे। और आज की स्थिति में क्या है आपकी? आज तो 25,000 से कम जाते ही नहीं गए। क्यों गाते हैं? बस संगीत की शौक है और सरस्वती माँ की कृपा है ऐसी। तो आपने, आपके द्वारा कोई किसी को सिखाया आपने? हमने कई लड़कियों को भी सिखाया होगा और कई लड़के भी सीख के बढ़िया पार्टी बनाए, पैसा भी कमाया है। एक पार्टी में कितने लोग रहते हैं? हम 7-8 लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? ढोलक वाला, बैंजो वालों, नगड़िया वालों और एक गायिका रहती लड़की गाने वाली। कहाँ कहाँ तक गा चुके अभी तक आप? बुंदेलखंड में लगभग सब जगह गा चुके, जैसे आगरा, झांसी, शिवपुरी, गुना, जबलपुर, झांसी और क्षेत्र में तो सब जगह कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अपनी बुंदेली की एक विधा और है ददरा, वो सुनवा रहे आपका। अपने बुंदेलखंड में लोकगीत तो कई प्रकार के गाए जाते हैं, लेकिन हमारे एक अच्छे अलग प्रकार के रहते हैं जो पूरा परिवार बैठ के सुन सके। के हो के बार चेरिया झुल, ओ लाला अब कांगई बाठुल, के हो गए बार चेरिया झुल, ओ लाला अब कांगई बाठुल, अरे मर रहे अब खटिया पे धर रहे जन्म अखारत बीता, मर रहे अब खटिया पे धर रहे जन्म अखारत बीता, ओ जिन सपनन भजन करो ना उन्हें सुना रहे गीता, ओ जिन सपनन भजन करो ना उन्हें सुना रहे गीता, उड़ गए अरे उड़ गए प्राण पखेरु फुल, ओ लाला अब कांगई बाठुल, हो गए बाल चेरिया झुल, ओ लाला अब कांगई बाठुल, ए लाला अब कांगई बाठुल, ओ लाला अब कांगई बाठुल। एक साल में कितने प्रोग्राम मिल जाते हैं आपको और कौन कौन से प्रोग्राम करते हैं? लगभग लोकगीत के कार्यक्रम होते हैं, दशकों वगैरह में हो गए, जन्मदिन में और जल विहार महोत्सव आ रहे, जेवी दिन में होंगे कार्यक्रम, दधिकाना महोत्सव में होंगे कार्यक्रम, और भी जो भी फंक्शन है उनके लिए कार्यक्रम उसमें होते रहते हैं। अभी तक आप कहीं पर सम्मानित हुए? सम्मानित तो जैसे मंच पर जाएँ, कहीं भी जाएँ तो सम्मानित तो सब जगह होते हैं, जैसे बसारी मेला महोत्सव लगता है और पृथ्वीपुर मेला महोत्सव जल विहार का होता है, वहाँ भी सम्मानित हुए। लवकुश जयंती टीकमगढ़ में जो कुशवाहा समाज की होती है वहाँ पर भी सम्मानित हुए। कोई शासकीय का उसमें तो जाते होंगे, शासकीय प्रोग्राम होते हैं जो कि शासकीय कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जाते हैं। कौन कौन से गीत संगीत गाते हैं आप? बुंदेलखंड में जितनी विधाएँ हैं, चाहे वो लड़ाई हो, लोकगीत हो, भजन हो, कीर्तन हो, सब में जाते हैं, सब गाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग आपकी क्या पसंद करते हैं? लोकगीत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अपने पारंपरिक लोकगीत हैं जो हर घर में सुन सकें, माँ बाप के साथ सुन सकें, ऐसे गीत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे। हम इसलिए गाते हैं कि ताकि अपनी, जैसों की भोजपुरी वाले हैं तो उनकी भाषा सब जगह पहचानी जाती है, तो हम अपने इसलिए गाते हैं कि जो अपनी बुंदेलखंड की भाषा है, बुंदेली भाषा है, उसको देश विदेशों में जाना जाए, पहचाना जाए और सम्मान मिले। एक बिटिया था, मायके में परेशानी हो सासरे में परेशानी, तो
जब सास ससुर से वो परेशान होकर अपने मायके आ जाते हैं, उनकी लुभगवा आते हैं, तो अपनी मताई से विनती कर लेगा कि बिटिया ने पथुरा को कर लो करे जो वो कात जात बाई हमें सासरे न भेजो, कात जात बाई हमें सासरे न भेजो। कि सास और ससुर मोरे बहुत है कसाई, सास और ससुर मोरे बहुत है कसाई, और बासे इते कोरा दे भो जाई, अरे बासे इते इते कोरा दे भो जाई, और सब दिन कटा लो मोस और दन को रे जो, कात जात बाई हमें सासरे न भेजो। कछुजली गांव की सखियां पूछ लगी ताए बहन ये तुम्हारे सास ससुर परेशान कहते थे, भैया भौजी परेशान कहते, जिनके संगे सात भौले परिवे कैसे हैं? तो बोली सुन कि सैया हमाए कब हम बोलत ननों ने, ओ बांझन कत भग जाए ते तोरो काहू ने, अरे बांझन कत भग जाए ते तोरो काहू ने, सो पारी छत करा करा हारे बंदे जो, कात जात बाई हमें सासरे न भेजो, बिटिया ने पथरा को कर लो करे जो, कात जात बाई हमें सासरे न भेजो, कात जात बाई हमें सासरे न भेजो, कात जात बाई हमें सासरे न भेजो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।